To improve your knowledge of the markets, focus on three things: opening bell, closing bell, and the bell icon. वेलकम बैक दोस्तों। इस वीकली मार्केट आउटलुक के एपिसोड में सबसे पहले कोरोना वायरस का अपडेट लेते हैं। दुनिया में लास्ट वीक से इस वीक में ऑलमोस्ट 20% ज़्यादा नई केसेस आए हैं और टोटल केसेस करीब 35 लाख हैं और अभी तक 2.45 लाख डेथ्स हुई हैं। यूएस में 11.62 लाख केसेस आइडेंटिफाई हुए हैं और 67,000 प्लस जाने गई हैं अभी तक, जो वियतनाम वॉर से भी ज़्यादा है। रशिया में इस हफ्ते सबसे तेजी से नई केसेस देखे गए हैं। इंडिया की बात करूं तो पिछले हफ्ते से इस हफ्ते में ऑलमोस्ट 50% केसेस इंक्रीज हुई हैं और करीब 1300 प्लस डेथ्स हुए हैं। इंडिया का 30% केसेस सिर्फ महाराष्ट्र से है। कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हैं, जिनमें यूएस के आधा से ज़्यादा स्टेट्स होम कन्फाइनमेंट से बाहर आ रहे हैं और यूएस गवर्नमेंट की एक स्टडी ने पाया है कि एंटीवायरल मेडिसिन रेमडेसिविर का कोरोना वायरस पेशेंट्स पे अच्छा असर हो रहा है। इसके अलावा इंडिया में लॉकडाउन 2 वीक एक्सटेंड की गई है, लेकिन कुछ रिलैक्सेशंस के साथ, पर ज़्यादातर मेजर सिटीज रेड जोन में ही हैं। यूएस मार्केट्स की बात करूँ तो लास्ट वीक डाउ जोन्स, नैशडैक और S&P 500 मामूली गिरावट के साथ बंद हुए, क्योंकि फ्राइडे को यूएस मार्केट्स में मेजर सेल ऑफ देखा गया, जब यूएस प्रेसिडेंट ने यह कहा कि उन्हें शक है कि कोरोना वायरस वुहान लेबोरेटरी में बनाया गया है और वो चाइना पे ट्रेड सैंक्शंस लगा सकते हैं। इसके अलावा यूएस टॉप टेक कंपनीज में अमेजोन के शेयर में करीब 5% की गिरावट देखी गई, जब कंपनी ने यह कहा कि Q2 प्रॉफिट्स कोरोना रिस्पॉन्स में चले जाएंगे और Q1 प्रॉफिट्स भी बिलो एस्टिमेट्स थे। इसके बावजूद यूएस मार्केट्स का अप्रैल महीना सुपर रहा। डाउ जोन्स और S&P 500 में 1987 के बाद से अब तक का बेस्ट मंथ रहा। नैस्डैक ने भी 2000 के बाद से सबसे अच्छा मंथ देखा है। अब CBOE इंडेक्स, मतलब शिकागो बोर्ड ऑफ ऑप्शंस एक्सचेंज का वॉलेटिलिटी इंडेक्स, जो फियर इंडेक्स भी जिसे कहते हैं, उसमें मामूली इंक्रीज देखी गई। अब यूएस डेटा फ्रंट की बात करूं तो यूएस इकॉनमी में 4.8% कॉन्ट्रैक्शन देखी गई फर्स्ट क्वार्टर में, जो यूएस के इतिहास का सबसे लंबा इकोनॉमिक एक्सपेंशन के बाद आया है। इसके अलावा जॉबलेस क्लेम्स 30 मिलियन मतलब करीब 3 करोड़ के पास पहुंच गया है। ये जरूर है कि वीकली ट्रेंड में गिरावट देखी जा रही है। इसके साथ ही यूएस मंथली पर्सनल स्पेंडिंग में 7.5% गिरावट देखी गई, जो 1959 के बाद से सबसे लोएस्ट है। यूएस इकॉनमी को प्रोटेक्ट करने के लिए यूएस सेंट्रल बैंक मतलब फेडरल रिजर्व ने यह कहा पिछले हफ्ते कि उन्हें जो भी जरूरी स्टेप्स लेने हैं वो जरूर लेंगे। यूरोपियन मार्केट्स में पिछले हफ्ते एक बहुत अच्छी तेजी देखी गई पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज और सेंट्रल बैंक्स के एक्शन के कारण। यूरो स्टॉक्स 50 जो यूरोप के टॉप 50 कंपनीज से बना है, डैक्स 50 जो जर्मनी का इंडेक्स है और कैक 40 जो फ्रांस का इंडेक्स है, इन सब में शानदार तेजी देखी गई। ब्रिटेन का फुटसी 100 इंडेक्स मामूली बढ़त के साथ पिछले हफ्ते बंद हुआ। यूरोपियन डेटा की बात करूं तो यूरोजोन Q1 GDP में 3.8% की गिरावट देखी गई और यूरोपियन सेंट्रल बैंक प्रेसिडेंट लगार्ड के अनुसार Q2 में 15% नेगेटिव ग्रोथ हो सकती है। इसके साथ यूरोजोन का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स, जिसमें भारी गिरावट देखी गई, मार्च 2009 के लेवल्स पे पहुंच गया। जर्मनी जो यूरोप का सबसे बड़ा इकॉनमी है, उसका जॉबलेस रेट 5.8% हो गया, जो 30 साल का रिकॉर्ड है। इसके साथ साथ फ्रांस जो यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा इकॉनमी है, वो रिसेशन में चला गया, क्योंकि Q1 GDP में 5.8% कॉन्ट्रैक्शन देखी गई, मतलब नेगेटिव ग्रोथ देखी गई। यूरोजोन को प्रोटेक्ट करने के लिए यूरोपियन सेंट्रल बैंक ECB ने बैंकों को दी जाने वाली इमरजेंसी लोन्स के इंटरेस्ट रेट को भी घटा दिया है। एशियन मार्केट्स की बात करूं तो शंघाई और निके इंडेक्स में करीब 2% की तेजी देखी गई, लेकिन सबसे बड़ी तेजी इंडियन मार्केट्स में देखी गई। निफ्टी और सेंसेक्स ने पिछले 9 साल का दूसरा सबसे बड़ा वीकली गेन देखा। पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज, एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्टिमुलस पैकेज बाय इंडियन गवर्नमेंट, मंथली एक्सपायरी मुख्य कारण थे तेजी के।
सेक्टोरल इंडेक्स में निफ्टी मेटल इंडेक्स में सबसे ज्यादा बढ़त देखी गई और फार्मा इंडेक्स में सबसे बड़ी गिरावट। इंडिया विक्स, जिसे फियर इंडेक्स भी कहते हैं, उसमें गिरावट देखी गई, जो कि एक अच्छी बात रही। एशियन इकोनॉमिक डेटा की बात करूं तो चाइना का Q1 GDP में 6.8% की गिरावट देखी गई, मतलब नेगेटिव में आया, यानी कि चाइनीज इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन देखी गई, जो 1976 के बाद पहली बार हुआ है। साथ साथ जापान, जो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी है, उसके Q2 GDP में 21.7% की गिरावट देखी जा सकती है, जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद से सबसे खराब डेटा रह सकता है। इंडिया की बात करूं तो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट में 6.5% की गिरावट देखी गई मार्च के महीने में, जो 2005 से अब तक का सबसे बड़ा गिरावट है। ये डेटा 2005 से रिकॉर्ड किया जाने लगा था। कमोडिटीज में गोल्ड और सिल्वर में मामूली गिरावट रही, जबकि क्रूड ऑयल में करीब 17% की तेजी देखी गई पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज के कारण। क्रूड बहुत ही वोलाटाइल ट्रेड कर रहा है और इसके फंडामेंटल्स काफी नेगेटिव हैं। रुपए की बात करूं तो वो डॉलर के अगेंस्ट 74.70 और 77 के बीच में ट्रेड करता दिख रहा है। की इवेंट्स और की डेटा की बात करूं तो अप्रैल मंथ में FIIs ने 12,262 करोड़ की नेट सेलिंग की, जहां डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 8,005 करोड़ की नेट बाइंग की थी। निफ्टी मंथली पोजीशन जो रोल ओवर की बात करूं तो लास्ट 3 मंथ एवरेज के करीब ही रहा, और जिन शेयर्स में सबसे ज़्यादा रोल ओवर परसेंटेज देखा गया उनमें M&M फाइनेंस, पीरामल एंटरप्राइजेस, हैवेल्स और पिडिलाइट थे। मे सीरीज की बात करूं तो निफ्टी का 9,500 और 10,000 कॉल ऑप्शन और 8,500 और 9,000 पुट ऑप्शन में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट देखा गया है। इसका मतलब ये है कि मार्केट 8,500 से 10,000 के रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। टोटल ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे पुट कॉल रेशियो, जिसे PCR भी कहते हैं, वो 1.78 है, मतलब पुट्स ऑलमोस्ट डबल हैं कॉल्स के कंपेयर में। इस हफ्ते मेजर इकोनॉमिक डेटा में यूरोजोन प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जो इन्फ्लेशन का इंडिकेटर है, वो 5 मई को रिलीज होगा। यूरोजोन रिटेल सेल्स डेटा 6 मई को, बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन 7 मई को, US नॉन फार्म पेरोल्स मंथली डेटा और अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8 मई को रिलीज होंगे। इनका असर ग्लोबल मार्केट्स पे देखा जा सकता है। इंडियन मार्केट्स गवर्नमेंट से स्टिमुलस पैकेज की आशा रखे हुए है, लेकिन सरकार कितना कर पाती है वो देखने वाली बात है, क्योंकि भारत सरकार ने अभी तक 0.8% ऑफ GDP का स्टिमुलस पैकेज, जो करीब 1.7 लाख करोड़ है, वो दे दिया है, और अब वो 1.5% से 2% ऑफ GDP तक ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया की रेटिंग इससे नेगेटिव भी हो सकती है, तो सरकार को उस पर भी ध्यान रखना होगा। इस हफ्ते जिन कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं उनमें इम्पॉर्टेंट है मैरिको लिमिटेड, अदानी पोर्ट्स, SBI लाइफ, यस बैंक, HCL टेक्नोलॉजीज और ICICI बैंक। चाइनीज मार्केट्स जो हैं वो 5 मई तक बंद हैं लेबर डे हॉलीडे के कारण। इस हफ्ते मार्केट आउटलुक की बात करूं तो लास्ट फ्राइडे ग्लोबल मार्केट्स में एक सेल ऑफ देखा गया था, जब US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पे सैंक्शंस की बात की थी। उस दिन इंडियन मार्केट्स बंद थे, तो उसका असर मंडे को देखा जा सकता है। US चाइना ट्रेड वॉर फियर्स मार्केट पे हावी रहेंगे। इसके अलावा लास्ट वीक का हाई इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रॉफिट बुकिंग भी देखी जा सकती है। कॉशियसली ट्रेड करने की सलाह है, यू आर एडवाइज टू ट्रेड विद कॉशन। निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी का मेजर सपोर्ट 9,200 और उसके नीचे 8,650 पे है, और रेजिस्टेंस 10,050 और 10,200 पे है। बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी का पहला सपोर्ट 19,050 पे है और उसके नीचे 17,900 पे है, और रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी का 22,050 और उसके ऊपर 22,550 पे है। जल्द फिर मिलते हैं दोस्तों। यदि आपके कोई कमेंट्स हैं, कोई सजेशंस हैं, तो डेफिनेटली शेयर कीजिए। Stay safe and stay alert. और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.